कोरोना खबरदार टीका हो रहा है तैयार। नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विशेष हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। कोलकाता में पहले मरीज का मामला सामने आया है जो कि संक्रमित है कोरोना वायरस से। बंगाल में सामने आया है ये पहला मामला और इसी के साथ देश भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 139 तक जा पहुंची है। देश भर में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लंदन से कोलकाता लौटा एक शख्स जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, बंगाल में सामने आया है ये पहला मामला। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो अभी तक अछूता था कोरोना वायरस की, लगातार वहां पर जांच हो रही थी लेकिन कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया था। लेकिन ये पहला पॉजिटिव मामला लंदन से कोलकाता लौटे एक शख्स के भीतर पाया गया है कोरोना वायरस, और इसी वजह से लगातार एहतियात बरतने की अपील आप सभी से की जा रही है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएं, हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाएं और बार बार अपने हाथ को धोते रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कोरोना का टीका क्या तैयार हो रहा है? कोरोना से पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में इसे लेकर दहशत का माहौल है, लेकिन इन सबके बीच राहत की खबर अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहा है जिसका टेस्ट भी शुरू हो चुका है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना का इलाज मुमकिन हो सकता है। दुनिया डरी है उस कोरोना से, आज सबसे तेजी से फैला हुआ। 145 देशों में 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना नाम के वायरस का निवाला बन चुके हैं। दुनिया के कई देशों में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, अमेरिका से लेकर स्पेन तक। चीन जैसे तैसे इस महामारी से निपट रहा है, लेकिन इतने से क्या होगा? इसीलिए अमेरिका एक ऐसी वैक्सीन बनाने में जुट गया है जो आपको लगाई जाएगी और कोरोना छू मंतर। कोरोना के जहर पर अब होगा आखिरी प्रहार। आने वाली है कोरोना का काम तमाम करने वाली दवा। दूरी पर है कोरोना का टीका। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं, वो कोई दर्द नहीं जिसकी दवा नहीं। इसीलिए अमेरिका में 45 लोगों को इस वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history, not even close. ये काम सिएटल के काइजर परमानेंट वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ, जिसमें 43 साल की जेनिफर हेलर पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ। दो बच्चों की मां हेलर एक छोटी टेक कंपनी में ऑपरेशनल मैनेजर पद पर तैनात है। कोरोना वायरस से दुनिया की परेशानी को देखते हुए उन्होंने इस परीक्षण के लिए खुद को आगे किया। हेलन इस बात से बेहद खुश है। Everybody's feeling so helpless right now, and I realized that there was something that I could do to help. And I'm excited to be here. अमेरिका में जैसे ही कोरोना के मरीज बढ़े, उसने बहुत तेजी से इसके खिलाफ कदम उठाए। पहले दुनिया के कई देशों से उड़ानें रद्द की, फिर इमरजेंसी घोषित किया। Unleash the full power of the federal government in this effort today. I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of Very importantly, and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. यानी अमेरिका ने पहले बचाव किया, फिर मुकम्मल इलाज की दिशा में कदम बढ़ाया और शुरू हुआ कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन के टेस्ट का काम। कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन का टेस्ट सोमवार को शुरू हुआ। इसके परीक्षण में 18 से 55 साल के 45 लोगों को शामिल किया गया। ये सारे लोग स्वस्थ हैं और इनमें किसी पर कोरोना का कोई असर नहीं है। इसकी पहली खुराक एक महिला पर आजमाई गई। धीरे धीरे बाकी लोगों पर भी ये टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट के जरिए ये देखा जाएगा कि कोरोना के खात्मे में ये कितना कारगर है, साथ ही इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। खास बात यह है कि इसको रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है और इसका कोड नेम रखा गया है mRNA 1273।
बीमारी का पता चीन में चला, लेकिन अमेरिका में केपीडब्ल्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने में जी जान से जुटे हैं। 45 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अगर ये ट्रायल कामयाब हो जाए तो इस बीमारी के खिलाफ एंटीवायरल और दूसरी थेरेपी भी विकसित करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ेंगे। आज तक ब्यूरो। दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली और विकसित देशों की हालत कोरोना से पस्त हो चली है, लेकिन भारत में सरकार की सूझबूझ, डॉक्टरों के हुनर और अनुभव और लोगों की सतर्कता से कोरोना के संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका है। इस बीच जयपुर में डॉक्टरों ने कोरोना के कुछ मरीजों को ठीक कर दिया और वो भी एचआईवी के दूसरे चरण में इस्तेमाल होने वाली दवा से। कोरोना वायरस का पहला मरीज राजस्थान में ही मिला था। वहाँ अब तक 4 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें 3 का मुकम्मल इलाज हो गया, वो स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए। इसके लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक मुकम्मल वार्ड भी तैयार किया गया है, जहां 24 घंटे इलाज होता है। हमारे अलग अलग यूनिट में जैसे जैसे मरीज भर्ती होते गए, जैसे इनके पास 3 मरीज भर्ती हुए थे पॉजिटिव केस, सबके पास ही हुए हैं। मेरे पास एक मरीज अभी भर्ती है, वो अभी भी पॉजिटिव है, बाकी 3 मरीज हमारे नेगेटिव हो गए। और स्पेशली कोरोना ओपीडी जो कि 24 घंटे अवेलेबल है अस्पताल के मेन बिल्डिंग से बाहर, उसका हम 24 घंटे देखा जाता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए यहाँ डॉक्टरों ने बाकायदा वॉर रूम बना रखा है। पिछले कुछ दिनों में आपने ये तो देख लिया कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाने, लेकिन अगर किसी को कोरोना वायरस ने घेर लिया, वो उसका पॉजिटिव मरीज निकला, तो डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं, ये भी डॉक्टरों की जुबानी सुन लीजिए। जिस दिन पॉजिटिव आया, हम सब लोग इसी कमरे में ही इकट्ठे हुए प्रिंसिपल सर के चैम्बर में, और आपस में उसी वक्त हमने पुराना लिटरेचर देखा और ये देखा कि कौन कौन सी मेडिसिन से फायदा हो सकता है, फिर किसको कंबाइन करें तो साइड इफेक्ट नहीं हो और उसके साइड इफेक्ट हम मॉनिटर कर सकें। तो हमने देखा कि 3 एंटीवायरल ड्रग्स हम सेफली दे सकते हैं, और क्लोरोक्विन कुछ दिनों के लिए दें तो उसके भी हमें बेनिफिशियल इफेक्ट दिखे, तो उसका कॉम्बिनेशन हम सबकी राय से सहमत होकर के और चालू किया, और उसके रिजल्ट भी लकीली अच्छे आए। आज तक के साथ सवाई मानसिंह अस्पताल के सारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ रखी है। जहाँ तक लैब का सवाल है, लैब 24 आवर्स हमारा वर्क कर रहा है। ओपीडी का सवाल है, 24 आवर्स इन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। जो एक्सपीरियंस जो हमारा पुराना था वो इस बार बहुत काम आया, तो हमने जो दवाइयाँ डिसाइड करी हमने मिल के, उसमें हमने देखा कि क्यों ना हम 7वें दिन इसका वायरल लोड करा के देख लें या वायरल टेस्ट करा के देख लें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी तक तो विवर रमेश के ये नेगेटिव रिजल्ट आ गए। अमेरिका में कोरोना पीड़ित मरीजों के मुकम्मल इलाज के लिए वैक्सीन ईजाद करने की जुगत चल रही है। हालांकि उस वैक्सीन के आने में समय लगेगा, लेकिन जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में WHO और भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इलाज चल रहा है। जब भी कोई कोरोना का पेशेंट आता है और जब आया तो उसको कंप्लीट वे में ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और एक हम लोगों ने डिसाइड किया एज पर लिटरेचर, वी डिसाइडेड कि हम कुछ एंटीवायरल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस तरह दें जिससे कि वायरस का रिप्लिकेशन और वायरस की बढ़ोतरी में कमी आ जाए और पेशेंट फास्ट रिकवरी हो जाए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगे हुए हैं। सरकार की मुस्तैदी और डॉक्टरों की ईमानदार कोशिश से कोरोना पर काबू पाना संभव दिख रहा है। डॉक्टरों का इलाज रंग दिखाने लगा है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। डॉक्टर्स की टीम भगवान का दूसरा रूप बनकर सामने आई है। 16 घंटे 18 घंटे लगातार ये लोग काम कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण में जो लोग हैं उनको बचाया जा सके और इसको और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। कोरोना के खात्मे के लिए भारत ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। विदेशी डॉक्टरों से भारतीय विशेषज्ञ भी संपर्क में हैं। इन सबके बीच अमेरिका जिस वैक्सीन पर काम कर रहा है उसका 45 स्वस्थ लोगों पर प्रयोग हो रहा है। ये प्रयोग 6 हफ्ते तक चलेगा। इस सब के बाद वो वैक्सीन तैयार हो सकता है जिसमें 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। दिया पहले तो दुनिया को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। पहले बचाव पर काम हुआ, अब कोरोना पर ही हमले की तैयारी हो रही है। इसके लिए चीन, दक्षिण कोरिया, रूस जैसे देश कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन पर शोध में जुट गए, लेकिन कामयाबी की तरफ कदम बढ़े अमेरिका के। 45 लोगों पर ट्रायल के बाद वैक्सीन तैयार करने के दिशा में साइंटिस्ट बढ़ चुके हैं, हम भी आगे बढ़ें। इससे पहले आप इस वैक्सीन के बारे में कुछ खास और जरूरी जानकारी ले लीजिए।
इस वैक्सीन को अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्मा तैयार कर रही है। इसके फंडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कर रहा है और उसके साथ मिलकर ट्रायल हो रहा है। जिन 45 लोगों पर ट्रायल हो रहा है उन पर 6 हफ्ते तक टीके के असर का अध्ययन किया जाएगा। ट्रायल में सफलता मिलने पर भी इस वैक्सीन को तैयार होने में 12 से 18 महीने लग जाएंगे। ये वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। इसमें मरीज को इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद शरीर की कोशिकाएं वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं। इन टुकड़ों की मदद से शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान शुरू करता है। इंजेक्शन में मौजूद दवा इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस को पकड़ने का हुक्म देती है। वैसे अभी तक कोरोना वायरस का कोई साफ साफ ट्रीटमेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले, उसे यूज में लाने से पहले बहुत तरीके के ट्रायल्स किए जाते हैं, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, ये देखने के लिए कि वो जो वैक्सीन है वो ह्यूमन यूज के लिए सेफ है। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है और ख़ास करके इसे इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इलाज आए, तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी आजकल फार्मा इंडस्ट्री में फेमस हो रहा है, जिसे कहते हैं ड्रग रीपर्पसिंग या फिर ड्रग रीपोजिशनिंग, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो किसी और डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा था, और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर डिजीज में भी यूज हो सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको चेक करके देखेंगे क्या वो यहाँ काम कर रहा है। वैसे अच्छी बात ये है कि भारत इस खतरनाक वायरस के खिलाफ जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक बचाव के लिए दवाओं को बनाने पर विदेशी डॉक्टरों के संपर्क में है। साइंटिस्ट एट ICMR दे आर इन टच विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। As far as the retroviral drugs are concerned, we are also using them on some of these patients, and we have given approvals for using them after, you can say, all sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. वैसे हिंदुस्तान कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। एक तरफ बचाव के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखने को लेकर उनका टेस्ट वगैरह हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तर्ज पर वैज्ञानिक शोध भी हो रहे हैं। वैसे डॉक्टर इलाज के लिए दवाओं के खुराक और कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं। अभी तक कोई एक दवाई ऐसी नहीं है जो कि इसको फाइट कर सके, पर जैसे देखा गया है जयपुर में भी एक पेशेंट को ट्रीट किया गया, दवाइयां दी गई और वो ठीक हुआ। दूसरे देशों में भी क्लोरोक्विन जो हम मलेरिया के लिए यूज करते हैं, वो देखा गया है कि कुछ केसों में जो कि बहुत ही सीरियस केस थे उनमें जब दी गई तो उसका एक्शन हुआ और पेशेंट ठीक हुए। फिलहाल वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ वैक्सीन तैयार करना ही नहीं बल्कि संक्रमण को रोकने में उसको फुल प्रूफ बनाने की है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दवा के इस्तेमाल से पहले कैसे काबू में आ रहा है कोरोना, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए विशेष। एक कहावत है, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। कोरोना से इस वक्त सेहत और उससे आगे जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके लिए दवाओं और वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन उसके पहले एहतियात बरतकर और सतर्क रहकर कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इस फलसफे पर काम करते हुए हिंदुस्तान ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को बहुत हद तक काबू में कर लिया। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, डॉक्टरों ने, सब ने समझाया कि कैसे कोरोना के वायरस को फैलने से रोकना है। हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे और लोग इसमें अपनी तरफ से एक्टिव नहीं रहेंगे तो स्टेज 3 में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमें ये बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम कम्युनिटी स्प्रेड रोकें। उसमें यह है कि सेल्फ क्वारंटाइन करें, जिसको जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार है वो घर पे रहे, 1-2 मीटर का फासला रखे लोगों से, और अपने हैंड रेगुलरली धोएं। लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्राउडेड एरिया में ना जाएं, एसेंशियल जो ट्रैवल है वही करें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को ना करें, और ये कोशिश करें कि वो एक सोर्स ना बने जिससे इन्फेक्शन आगे फैले, कम्युनिटी में फैले और हम स्टेज 3 में जाएं। इस बचाव के लिए कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 दिन। रोम साम्राज्य के दिनों में समुद्री किनारे रहने वाले लोगों के बीच प्लेग फैल जाता था, तो उनको 40 दिन तक अलग थलग रखा जाता था। अब नए दौर में
कोरोना में भी 14 दिन तक यह सावधानी बरती जा रही है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना के वैक्सीन को जल्द से जल्द निर्मित करके जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनको राहत दिलाई जा सके, लेकिन आप अपना ख्याल रख सकते हैं साफ सफाई के जरिए, सावधान रहकर और सतर्कता बरतकर। विशेष में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।